पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी थी उसको किस तरीके से उस आइडिया को ही ख़त्म किया जा रहा है। पिछले साल भी यहाँ पे नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए, बीटेक इंट्रोड्यूस किया गया, इस साल यहाँ पे एमबीए इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप वहीं पर देख लीजिए उनके कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उनका जो मेस फीस है वो बढ़ाया जा रहा है, उनका जो सेमेस्टर फीस है वो 60,000 रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे उनके लिए हॉस्टल नहीं है, उनके लिए क्लासरूम नहीं है, उनके लिए टीचर नहीं है। आखिर ये वाइस चांसलर यहाँ पे करना क्या चाहता है, आखिर इस वाइस चांसलर का मंशा क्या है, ये हमको जानना पड़ेगा। और एक बहुत प्रोसेस है जिसके लिए जेएनयू जाना जाता था, वो सब चीज़ें वाइस चांसलर एक से एक लेके ख़त्म किया जा रहा है। जीएस कैश, रिजर्वेशन हो, और आप देख लीजिए जो जेएनयू के एडमिशन पॉलिसी हो उसका ख़त्म किया जा रहा है और एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हम पढ़ने के पक्ष में हैं, हम रेजिमेंटेड लर्निंग के पक्ष में नहीं है। वो रेजिमेंटेड लर्निंग नहीं होता है, वो रेजिमेंटेड इंस्ट्रक्शन होता है कि वो बोलेगा हम सुनेंगे। जिस कैंपस में लाइब्रेरी के 80% बजट अप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, फेलोशिप पैसा नहीं मिलता है वो मूर्ति में लगा रहे हैं, जिस कैंपस में लगातार एकेडमिक सेमिनार्स के लिए कोई पैसा वीसी नहीं देता है, और अभी ग्रांट मॉडल को ख़त्म करके हीफा मॉडल लाया जहाँ पे लोन लेना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, ऐसे यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आप आ जाना क्लास में बैठ जाना साइन करके चले जाना, क्या उससे डिग्री जो ले लूँगा क्या वो कोई एकेडमिक एक्सेलेंस है? नहीं। हर जगह पे आप हमारा बायोमेट्रिक लेके करना क्या चाहते हैं? आप हमको किताब दीजिए, दीवालों को बैरन कर दे रहे हैं, लाइब्रेरी को खाली कर दे रहे हैं, टीचर्स को नियुक्त नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपॉइंट भी होते तो प्लेजरिज्म अक्यूज्ड है, पढ़ाई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 25% सीट ईडब्ल्यूएस की वजह से बढ़ गया, और जो बढ़ा हुआ सीट जो है उसको आपने क्लासरूम्स बड़े नहीं किए। जो हॉस्टल का पैसा हम लोगों ने 2014-15 में भूख हड़ताल करके परमिशंस DDA से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लाया और हॉस्टल के लिए पैसा लाया, ये वाइस चांसलर उस पैसे को यूज़ ही नहीं किया पिछले 3 साल में, और हॉस्टल नहीं बनाया, वो वेट कर रहा है हीफा लोन का आने के लिए। हीफा लोन आएगा, हीफा लोन से हम हॉस्टल बनाएंगे, उससे फ़ी हाइक होगा, स्टूडेंट्स फीस देंगे, और जो सोशली इंक्लूसिविटी है कैंपस का वो ख़त्म हो जाए। हमारा लिस्ट ऑफ डिमांड्स ये है कि क्लासरूम्स बढ़ा कीजिए, जो हॉस्टल के लिए पैसा आया है क्यों आपने नहीं खर्च किया, वाइट पेपर रिलीज़ कीजिए, रेंटेड एकोमोडेशन आप लीजिए कहीं बाहर, आप बस लगाइए और स्टूडेंट्स को ले आइए, आप नया डॉर्मेटरीज खोलिए, और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और एमबीए स्टूडेंट्स से 60,000 रुपये हॉस्टल के नाम पे ले रहे हैं वो नहीं चल सकता है। जेएनयू में एक ही फीस मॉडल है, ड्यूअल स्टूडेंटशिप नहीं चल सकता, एक फीस ही चलेगा, और इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हॉस्टल सबको दीजिए, डॉर्म सबको दीजिए, ये हमारा डिमांड है। जो इन रीजनों से, जो इन रियासतों से लोग आते हैं, उनका पहले ही बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पहले उनका यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, यहाँ पे वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं जानते, और जब वो आते हैं उनका एडमिशन होता है, पहले नए होते हैं, कुछ पता नहीं होता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये होना चाहता है कि जब इन रीजनों से स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको तुरंत जिस टाइम एडमिशन हो गया उसी टाइम उनको हॉस्टल मिलना चाहता, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब वो बाहर जा रहे हैं, हाउसिंग पे जा रहे हैं, किसी जगह से मुझे स्टूडेंट्स, कुछ पर्टिकुलरली कश्मीर से आए कुछ स्टूडेंट जिनको बाहर दिया ही नहीं गया, नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेशली टारगेट किया गया है, बहुत बहुत बड़े बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर। और दूसरा ये भी है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी जगह मिलता भी है तो जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा उन पर जो रेंट है वो चार्ज करता है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, ये सब प्रॉब्लम्स है। और दूसरा है कि फिर भी और उनके लिए एक तो दूसरा ये प्रॉब्लम्स है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम सम एरियाज विच हैव अ प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। तो एक्सपेक्ट करना कि किस कोई दूर दराज जगह से आएगा और फिर रेंट के लिए 5,000 हर महीने देगा, इट्स रिडिकुलस। तो द होल आइडिया, अगर जेएनयू की इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी है तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो रहने का जो इंतज़ाम है ये उन लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा है इट्स इन कैंपस, इट्स रेजिडेंशियल कैंपस। रेजिडेंशियल कैंपस मतलब जो भी यहाँ पे पढ़ने आता है उसको यहाँ पे रहने की जगह मिलेगी। सो द पॉइंट इज, अगर कोई बाहर से आता है ऑब्वियसली वो लोग एडमिशन्स के लिए आते हैं तो फिर पूरा सामान लेके आते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो लोग बाहर जाके कहीं पे रहेंगे। एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यूनिवर्सिटी ले कि अगर आप पढ़ने आए हो तो फिर आप यूनिवर्सिटी में आप उन लोगों की जगह बनाओ। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ अटेंडेंस का नहीं है, ये मुद्दा है स्टूडेंट्स को बांध के रखने का। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लासरूम तक महरूम कर दिया जाए। वो आइडिया ऑफ कभी भी पेडागॉजी ऑफ जो स्टडी है वो कभी वो नहीं कहता, वो कहता है कि आप एनवायरनमेंट में रहें। जब जेएनयू में हम रहते हैं तो जो जेएनयू की जो वॉल्स थी
जिस पे हम जो देखा करते थे, तो हम हमेशा देखते थे एक नया आइडियाज, थॉट्स, पोइट्री के थ्रू रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थी। तो सिर्फ हम क्लास में ही नहीं सीखते थे, हम जब जेएनयू में रहते हैं तो जो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते थे ढाबा पे, जो आज ढाबा को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पहले क्या था कि ढाबा 24/7 था, तो कई बार हम छात्रों को रात में भूख भी लगती थी, तो हम जब खाना भी खाने जाते थे और अपने दोस्तों से मिलते थे तो हम कई तरह की बात करते थे, विचार करते थे, आपस में डिबेट करते थे। ये कल्चर था जेएनयू का, गंगा ढाबा अपने डिबेट्स के लिए ऐसे ही मशहूर रहा है। ये क्यों रहा था? क्योंकि स्टूडेंट्स आते थे वहाँ पर, डिबेट करते थे, बात करते थे। अभी क्या किया जा रहा है कि सिर्फ आप अटेंडेंस दें, आपका बायोमेट्रिक हो रहा है। बायोमेट्रिक का भी अगर आप देखें तो ये अभी फर्स्ट फेज में, ये क्योंकि हमारे ऊपर अभी ये नहीं थोप सकते क्योंकि ये मैटर सब्जुडिस है, तो ये अभी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये थोपा जा रहा है। उनको अभी ये कहा जा रहा है कि आपका फर्स्ट फेज में जो कर्मचारी हैं, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनका बायोमेट्रिक किया जा रहा है। हमारे ऊपर अभी ये नहीं थोप सकते हैं क्योंकि ये मैटर सब्जुडिस में, तो अभी ये इस तरह से। और जो बात है कि सिर्फ क्लासरूम तक हमारी स्टडीज़ नहीं रह सकती, हम बहुत कुछ अपने सोशल लाइफ से सीखते हैं, जब हम आसपास रहते हैं, जब हम यहाँ पे अपने डिफरेंट कल्चर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से कोई आया है, कोई साउथ इंडिया से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई जम्मू कश्मीर से आया है, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हम सीखने को हमें मिलता है कि अच्छा इंडिया में ये कल्चर, ये डाइवर्सिफिकेशन, तो हमारा दिमाग भी खुलता है, हम एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस लाते हैं। जब एक रूम में दो डिफरेंट, एक कश्मीर से कोई रहता है तो कोई कन्याकुमारी से रहता है, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन साथ में आता था, तो ये भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। ये सिर्फ क्लास में लर्निंग नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा। स्टूडेंट यूनियन इतनी कोशिश कर रहा है, शिप्रा 2 का जो कंस्ट्रक्शन था वो 2016 से ही रुका हुआ है, एक फाउंडेशन लग गया है, पिलर लग गया है कि यहाँ पे ये शिप्रा 2 है, बस उसके आगे एक ईंट तक नहीं। हॉस्टल का बहुत क्राइसिस है, स्टूडेंट्स इस वजह से ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई होगा जेएनयू का इस साल का। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर सर्वे हो कि कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चों ने पूरी एजुकेशन कर पाए।